हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आर्यन 4-5 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी के सभी एग्जाम के लिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए, यदि एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर माइनस दो कड़ी में तीन है तो एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपान एक्स पावर फाइव का मान क्या है। तो मैं इसका सोल्यूशन तो बताऊंगा ही, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को स्क्वायर, क्यूब, पावर फोर, ठीक है, इन सभी का भी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप लोग कहीं मत जाइए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है x पावर 5, 1 अपान x पावर 5 का मान क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब का मान आना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को यही मान दिया गया है और आप लोगों को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसकी ट्रिक, एन का स्क्वायर माइनस टू, एन का स्क्वायर माइनस टू, जहां पे एन क्या है, एन आपका ये है एक्स प्लस वन अपान एक्स, इसको बोलते हैं एन, ठीक है। अगर आप लोगों को मान लीजिए एक्स के पावर क्यूब प्लस वन अपान एक्स के पावर क्यूब, इसका मान निकालना है, तो आप लोगों को यूज करना है फार्मूला एन के पावर तीन माइनस थ्री एन, ठीक है। बस इतना यूज करेंगे तो आप लोगों का ये भी निकल जाएगा। और एन क्या है, एन आप लोग जानते हैं, एन मतलब कि ये एक्स प्लस वन अपान एक्स, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसी को सिखा देता हूं। सबसे पहले तो सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर इसका क्या मान आएगा। अगर आप लोगों को ये याद करना है कि ये सब फार्मूला आ कहाँ से रहा है, तो ये मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, अब इसका मान क्या है, एन स्क्वायर माइनस टू। अब एन का स्क्वायर मतलब एन का मान क्या है, माइनस दो कड़ी में तीन, तो माइनस दो कड़ी में तीन स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा प्लस में, दो का स्क्वायर करेंगे चार आएगा, कड़ी में तीन का स्क्वायर करेंगे तीन आएगा, मतलब गुणे तीन माइनस दो, ठीक है। ये आ गया आपका, तो यानी आपका आएगा चार तिहाई बारह, बारह माइनस दो यानी आपका मान आ जाएगा दस, ठीक है। यानी एक मान तो आप लोगों का निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान अगर आप लोगों को निकालना हो तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर आप लोगों को निकालना हो एक्स की पावर तीन वन अपान एक्स पावर तीन, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए फार्मूला है एन के पावर तीन माइनस थ्री एन। तो एन का मान रख दीजिए माइनस दो कड़ी में तीन, करना है क्यूब माइनस थ्री गुड़े, ठीक है, फिर से एन का मान रखना है माइनस दो कड़ी में तीन, ठीक है। अब इसे हल कर लीजिए, माइनस का क्यूब करेंगे आप लोगों का आ जाएगा माइनस में, दो का क्यूब करेंगे आठ आएगा, कड़ी में तीन का क्यूब करेंगे तो सबसे पहले कड़ी में तीन का स्क्वायर करेंगे तीन आएगा, तीन कड़ी में तीन आ जाएगा, ठीक है, यानी आठ गुड़े तीन कड़ी में तीन, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है, तीन में दो का गुणा करेंगे छ कड़ी में तीन, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस चौबीस कड़ी में तीन छ कड़ी में तीन, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, माइनस वाला ज्यादा है इसलिए घटाएंगे, चौबीस में से छ घटा दीजिए आपका आ जाएगा माइनस में आएगा माइनस अट्ठारह कड़ी में तीन, ये भी आप लोगों का हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोगों का ये एक्स स्क्वायर वाला निकल गया और एक्स क्यूब वाला निकल गया तो आप लोग एक्स के पावर फाइव वाला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देख लीजिए, इसे एक्स के पावर फाइव वन अपान एक्स के पावर फाइव है यहाँ पे, इसका क्या होता है, इसका होता है एन का स्क्वायर माइनस टू यानी ये वाला, और इसके बाद ये वाला आएगा एन के पावर तीन माइनस थ्री एन, ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को माइनस एन करना है, ठीक है, इसकी ट्रिक ये है। तो देखिए अब क्या करेंगे, एन का स्क्वायर माइनस टू यानी एक्स के पावर फाइव प्लस वन अपान एक्स के पावर फाइव अगर आप लोगों को निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्वायर वाला आना चाहिए, जैसे ये इसका मान, और क्यूब वाला आना चाहिए इसका मान, और लास्ट में माइनस एन करना है। मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि ये फार्मूला आ कहां से रहा है, काफी ईजी है, मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा। अब देखिए इसका मान आप लोग रख दीजिए, इसका मान क्या आया है आपका, इसका मान आया है आपका दस, ठीक है, बीच में गुणा है गुणा लगा दीजिए, और इसका मान भी आप लोगों को निकल चुका है यहाँ पे है माइनस अट्ठारह कड़ी में तीन, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा माइनस अट्ठारह कड़ी में तीन, लास्ट में माइनस
एन आए, एन का मान क्या है, माइनस दो कड़ी में तीन, ठीक है, माइनस दो कड़ी में तीन, ठीक है। अब देख लीजिए ये आ जाएगा आपका, यहां से करेंगे ये आपका माइनस में आएगा, माइनस 180 कड़ी में तीन, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो कड़ी में तीन, देख लीजिए। अब इसे हल करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, आंसर माइनस 178 कड़ी में तीन, ये आपका होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि आप लोगों का पहला वाला ऑप्शन सही है, माइनस 178 कड़ी में तीन, ठीक है, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का हल। लेकिन अभी भी आप लोगों का एक बचा हुआ है x के पावर 4, अब इसे कैसे हल करेंगे इसे भी देख लीजिए। अब देखिए x के पावर 4 है, यानी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एक तरीके से कर सकते हैं x का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यानी आप लोग एक बार स्क्वायर वाली ट्रिक लगा दीजिए। स्क्वायर वाली ट्रिक कहाँ पे है, यहाँ पे, तो एक बार n का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, n का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो आप लोग इसका मान निकाले हुए हैं, इसका मान क्या आएगा 10, ठीक है, जो मान आएगा फिर से यही अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर से देखिए x के पावर 4, 1 अपान x के पावर 4 में इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले n का स्क्वायर माइनस 2, यानी यही वाली ट्रिक यूज करेंगे, और जो मान आएगा वही ट्रिक फिर से यूज कर देंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 2, यानी इसका मान आएगा 98, यानी इसमें दो बार यूज करना है इस ट्रिक को। तो ये है आपका पावर 4, x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4, जब ये आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग इस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं, सीख लेते हैं कि ये सब फार्मूला आया कहाँ से। तो देखिए आपको दिया गया था एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान दिया गया था, ठीक है, ये मान आप लोगों को दिया गया था। अगर आप लोगों को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, अब इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस दो गुड़े एक्स गुड़े एक बटे एक्स। अगर आप लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हो तो इसमें ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए ये तो कट जाएगा, यानी माइनस टू, ठीक है। अब इसको अगर एन मान लें इसको, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लग देंगे तो आपको क्या आएगा, एन का स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। तो यही ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई, तो ये है आपकी स्क्वायर की ट्रिक, एन स्क्वायर माइनस टू। अब अगर आप लोगों को निकालना होगा x के पावर 3, 1 अपान x पावर 3, तो इसे कैसे निकालेंगे इसे भी देख लीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, यही होता है, ठीक है। यानी इसी में अगर रखेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा x क्यूब 1 अपान x क्यूब, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1 अपान x का होल क्यूब माइनस 3 गुड़े एक्स गुड़े एक बटे एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस वन अपान एक्स, ठीक है। तो देखिए अब इसमें अगर रख हल करेंगे इसे तो क्या आएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वन अपान एक्स, इसका मान क्या है, एन है, एन का क्यूब माइनस 3, अब यहाँ पे भी एन आएगा, यानी एन क्यूब माइनस 3n। तो ये भी फार्मूला अभी आप लोगों ने पीछे यूज किया, ठीक है। तो सब आपका बीजगणित है, यानी अलजेब्रा है, अगर आप लोगों ने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये सब निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आपका लास्ट वाला देख लीजिए कैसे आया है, 5 वाला, तो आपका लास्ट में आपका था x के पावर 5, 1 अपान x के पावर 5, इसका मान निकालना था। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में एक्स का क्यूब प्लस 1 अपान एक्स का क्यूब और माइनस 3 एक्स प्लस वन अपान एक्स, ये इसका फार्मूला ही होता है, ठीक है, बीजगणित में, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं इसका मान क्या आया था, एन का स्क्वायर माइनस टू, और इसका एन का क्यूब माइनस 3n, और यहाँ पे माइनस 3, और इसका n, तो यही फार्मूला पीछे यूज किया गया था, ठीक है। तो अब आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, जो कि आपके एसएससी की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।